अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं जाके लेने वाला हूँ एक एलईडी बहुत बड़ी, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में एलईडी लूंगा। दुख की बात यह है कि पिछले व्लॉग पे 18 प्लस का आ गया, ठीक है, यानी कि 18 साल से कम उम्र लोग नहीं देख सकते उसको, तो बहुत बड़े मसले की बात है यार। मतलब मेरी सारी की सारी रीच गिर गई है गाइस। जो लोग ये व्लॉग पूरा देख लो प्लीज जाके, इससे पिछला व्लॉग अगर देखा भी उन्हें एक बार फिर से देख लो यार, ताकि मेरा ये मसला हल हो जाए। एक बहुत बड़ा मसला गाइस, बहुत बड़ा मसला हो गया कि मुझे किरो पेट करो, जब 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 पेट करो भी मुहिब का पता चल गया, पता चल गया। नहीं बता नहीं बता गाइस, मुहिब का ना असल में, अरे बताने तो नहीं। अच्छा अबे तुम्हारी कौन सी इज्जत है गाइस, मुहिब का ना मैं कैमरा लेके वीडियो बंद कर दूंगा। अगर मैं तुम्हें एक डेयरी मिल्क दूं तो फिर बताने दो। नहीं इधर इधर एलईडी लेने जा रहे हैं ना, इतनी अच्छी नहीं नहीं, प्लीज कुछ तो करो, सबको बता रहे तो है भाई, मजे की बात है गाइस। अच्छा जाके वो लाइट खोलो, नहीं बोलूंगा गाइस, लाइट तो खोलो, लाइट तो खोलो गाइस, मोहिब का असल में नहीं। अच्छा लाइट खोलो, अभी नहीं बता रहा, जब लाइट खोलो, मोहिब का पेट खराब है गाइस। गाइस मोहिब का ना असल में पेट खराब हो गया, ठीक है, पर अच्छी खबर ये, अभी खराब है नहीं, अभी ठीक है। रात को ना गाइस, कल रात को ये यहीं सोया था और इसने मेरा जीना आराम कर दिया था, सही है। रात को 2 बजे टक 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 मेरे द्वारा कमरे में, भाई वॉशरूम जाना है। अकेले वॉशरूम जाने से क्यों डरते हो भाई? डरता है ये, सही है। 2 बजे, 2:05, 2:10, 2 बजे भाई, इसने मेरा दिल कर रहा था इसका बिस्तर लगा दूँ कल वॉशरूम में, सी उस बिस्तर में एक होल कर दूँ और बस ये सुकून से एंजॉय करे। क्या कहना चाहते हो इस बारे में यार? सबका खराब होता है, मेरा अकेले तो खराब नहीं हुआ ना, पर कोई मसला नहीं है, पेट अब ठीक हो गया है ये बता रहा है, ठीक है। तो हम लोग एलईडी लेने जा सकते हैं? जा सकते हैं भाई, पूछ लो एक दफा, ऐसा ना हो मसला हो जाए। जा सकते हैं तो फिर चले, चलो पक्का, चलो यार देख लो, दवाई ववाई लेके चले साथ, नहीं देख लो, चलो चलते हैं, आ जाओ। वैसे मोहिब एलईडी रखेंगे कहाँ? गाड़ी की पिछली सीट पे रख देंगे। कहाँ? गाड़ी की पिछली सीट पे रख देंगे। अभी तो पेट में तो दर्द नहीं हो रहा, वो ये क्या है इतनी गंदी? रात को बारिश हुई है शायद। रुको यार गाइस, चले कपड़ा ला के गाड़ी साफ करनी पड़ेगी। कपड़ा मिल गया है, ठीक है। क्या लिख दिया? एम। एम मतलब तुम्हें मोशन लगे हुए? ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अगर कभी भी आपके पास गाड़ी के लिए कपड़ा ना हो ना, मोहिब की शर्ट उतार दो। ये ब्लू येलो गाड़े नहीं चलता क्या के माने? तो गाइस अभी हम लोग निकल गए, ठीक है। मोहिब कैसे हो? भूख तो नहीं लग रही? बहुत ज्यादा लग रही है भूख तो है। हाँ। चलो एक ऐसी चीज खाते हैं जिससे ना तुम्हारे पेट का मसला भी हल हो जाएगा और भूख शूख भी खत्म हो जाएगी। अंडे वाला बर्गर खा लेते। मुझे अंडे वाला बर्गर पागल तो नहीं? अंडे वाला बर्गर, अंडे वाले बर्गर से पेट और खराब हो जाता है, यहीं पे रोड पे ही सब कुछ हो जाएगा बता रहा हूँ। तो मेरा तो पेट ठीक हो गया ना। झूठ बोल रहा है। देखो बात सुनो, जब भी आपके इस तरह की कोई चीज होती है ना, वो 1-2 दिन तक आपको लगता है ठीक हो गई है, पर वो ठीक नहीं हुई होती है, अंदर मसला अभी भी चल रहा होता है, ठीक है। तो मत खाओ। और अंडा तुम किसी भी बड़े से पूछ लो, अंडा तो ऐसा खतरनाक है ना, जिसका पेट खराब हो उसका पेट 4 गुना ज्यादा खराब हो जाता है अगर अंडा वंडा खा ले तो। मैंने तो फिर भी अंडे वाला बर्गर सादा खा लो, सादा बर्गर खा। नहीं यार सादे वाले बर्गर में कुछ होता ही नहीं, तो मेरा पेट भी ठीक हो गया, फिर भी आप बोल रहे हो अंडे वाला क्या, मैंने अंडे वाले ही बर्गर खाने। जिद मत करो, यकीन मानो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। नहीं होता यार मुझे अंडे वाला बर्गर खाने। फिर अपनी जिम्मेदारी पे खाना। सही है, मैंने अंडे वाला बर्गर खाना अपनी जिम्मेदारी पे। हाँ चलो वापस अंडे वाला बर्गर। यार गाइस अभी वापस जाना पड़ेगा, वहीं से अंडे वाला बर्गर लेंगे। मैं बता रहा हूँ रोगे तुम। पागल तो नहीं है यार, कुछ भी नहीं होता। पट्टू पट्टू तुम्हें पता चल जाएगा कौन पट्टू है जब तुम वॉशरूम के 12-12 चक्कर लगाओगे ना। जब आपका पेट खराब हो ना तो अंडा काम करता है एज अ कैटलिस्ट, यानी सारे रिएक्शंस को फास्ट कर देता है, और आपके वॉशरूम जाने का जो मुहिब कल रात से लगा हुआ है ना मुहिब, ये भर जाएगा, डबल हो जाएगा बता तो रहा हूँ। सही हो गया ना, फिर क्या? उसके करीब जाके खड़े होना और तेज आवाज में बोला मुझे अंडे वाला बर्गर। सही है चल खड़े होना। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये जो अंडा आप डाल रहे हैं इससे पेट खराब को मसला होता है? नहीं होता? होता है। होता है ना? किसी को बता रहा हूँ मेरा पेट खराब है। तो भाई वो बता रहा है मसला होता है यार, तुम फिर भी जिद कर रहे हो। कुछ नहीं होता यार, चलो देखेंगे कुछ होता है। भाई आप गवार है ना, इसका पेट खराब होगा। सही है,
खराब है, रात से खराब है, फिर अंडे वाला बर्गर खा रहा है, बताओ यार हालत खराब होने वाली है नहीं होने वाली? सही बात है, गर्मी बहुत है, अंडे नहीं खाने चाहिए। देखो भाई बेच भी रहे हैं फिर भी भाई कह रहे हैं कि नहीं खाने चाहिए। तो गाइस ये बंदा अभी अंडे वाला बर्गर खा रहा है, जो कि मैं अभी भी कह रहा हूँ, मुझे गर्म है बहुत, रुको, अभी भी कह रहा हूँ कि मत खाओ, पर भाई गर्म को भी आसरा नहीं। मेरा पेट सही हो गया, सही है, मेरा पेट अभी खराब नहीं है, कल रात को था अभी नहीं है यार। पूरा दिन आप पेट खराब बोल लो, उसको सामने वाले बर्गर वाले को यही बोल लो उसका पेट खराब है, ये तो नहीं होगा वो तो नहीं होगा, अभी अभी पता चल जाएगा, चलो ले लो खा लो खा लो। ये अंडा गया मुंह में, अंडे वाला बर्गर अभी इसने खा लिया है, सही है, और अब देखना अंडा अपना रिएक्शन दिखाएगा। आगे एलईडी लेने जाना है, असल गोल वो है, ठीक है, ये अंडे वाले बर्गर तो फजूल में टाइम वेस्ट कर दिया इसने मेरा। कुछ होना तो अभी तक हो जाता। अगर ये अम्मी को पता चल जाए ना कि तुम्हारा रात से पेट खराब है और तुमने ये खा लिया है, तो फिर पेट खराब से ज्यादा मसला तो अम्मी तुम्हारे लिए बना देंगी बेटा, ऐसे फ्लाइंग चप्पल आएंगे ना, ऐसे उड़ते उड़ते चप्पल। अगर हम थोड़ा और लेट हो गए तो एलईडी की दुकानें बंद हो जाएंगी यार, निकलो अभी बस, भागो भागो। ये देखे गाइस वो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है सदर की साइड पे, ठीक है, और हम लोग अब वहां से नहीं जा रहे, हम लोग नीचे से घर की तरफ जा रहे हैं, क्यों पता है? क्योंकि भाई साहब का पेट फिर से खराब हो गया, मना किया तुमने। एक तो हर जगह पे हर किसी को बोल लो, फिर आके इधर वीडियो में बाबा बोला इसका पेट खराब हो गया, पूरा व्लॉग पेट। अभी क्या है, अभी क्या, अभी क्यों घर जाना है यार? एक बार ही जाना है सिर्फ, मैंने क्या कहा आपको, एक बार ही जाना है, पेट खराब हो गया यार इसका फिर से, पूरा व्लॉग इसी पे पेट खराब पे बना दिया। क्या हुआ है? दर्द, ये गाइस ये खीटा की में दर्द का मतलब पता है तुम लोगों? इसका मतलब मेरे पेट में दर्द है, समझ में आई? अभी कितना टाइम है ना अपने पास, या यहीं से यहीं पे तो नहीं कर दोगे? गाड़ी अपनी बचानी है तो फिर जल्दी लेके जाओ। मैं कहाँ फंस गया यार, जल्दी लेके जाओ। अंडा बहुत गर्म होता है, बहुत गर्म होता है, जिसका पेट खराब हो ना उसका दिमाग खराब कर देता है अंडा। गाड़ी बचाएंगे तो जल्दी करो यार, एक तो आप सवाल पूछ रहे हो आगे से क्या हो रहा है। पागल नहीं है भैया, हमारा तो पेट खराब है। ये देखो ये देखो, ये हाल होते हैं बड़ों की बात ना मानने से, ये हाल होते हैं यार। अभी तो लेके जाओ ना, हम 10 मिनट तो लगेंगे, बर्दाश्त कर लोगे यार? 1 मिनट सबर नहीं होगा, जल्दी करो। आगे आगे ट्रैफिक जैम है मुहिम, या अल्लाह मेरे भाई को सबर देना। देखिए गाइस मगरिब होने वाली है, तो नहीं कब एलईडी लेंगे, और यहाँ पे भाई पेट खराब हो गया। बस वाले रास्ता दे दो, रुको इसके नंबर पे कॉल करो, मुझे कॉल अस में लिखा हुआ जो है ना, इस पे कॉल करो, बोलो रास्ता दो जल्दी से। क्या हो गया, मेडिकल इमरजेंसी? आप मजाक सोच रहे हो आपको? एक मिनट का रास्ता है, 1 मिनट का रास्ता, रुको यार, जाओ ना आगे, एक तो सामने रुक गए यार, और तू ना भी क्या कर रहे हो? चलो ये तुम्हारे भाई ने तुम्हें पहुंचा दिया, रुको गाड़ी तो लगाने दो। ओए कहां भाग रहे हो? So guys, अभी थोड़ी सी तबीयत सेट हो गई है, ठीक है, और सूरज भी अभी है, ऐसा नहीं है कि सूरज नहीं है, तो हम लोग जाना चाह रहे हैं क्या तरतजी? किधर भाग गया, गेम खुली छोड़ के से जा सकते हैं बताओ आप लोग? एलईडी एलईडी सब जाए बाहर में, इसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। जल मैंने मेरी गेम ले ली है, छीन लिए मेरे से। तो बेटा आप दूसरी गेमें खेलने लग गए हो ना वॉशरूम में? देखते हैं, सबर रुको जरा। भूल गया था कि बच्चा वापस आ चुका है, मुझे भी तुम्हारी तीसरी बारी हो गई है, समझ रहे हो ना तुम? सच सच बताओ एलईडी लेने जा सकते हैं, यानी बीच में वापस नहीं आएंगे? जा सकते हैं, का मसला भी हल होगा नहीं होगा उसको देखने के लिए अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और मुझे बहुत भूख लगी है तो मैं अपने लिए खाना मंगवाने लगा हूँ, ठीक है? अभी नहीं मंगवाओ यार, तो जो खा उसी जैम में निकल ले। क्या क्या बोला, क्या बोला तूने? सो गाइस ये मुहिब तो यहाँ पे अभी गेम खेल रहा है, और फजूल होगा हमारा आज एलईडी लेने जाना, क्योंकि रात होने वाली है और मुहिब की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है, ये गेम शेम खेलता है, बीच गेम में निकल जाता है। गाइस एक बुरी चीज ये है, जो मैंने एक ब्लॉग डाला था परसों, जिसमें मैंने कहा, जिसमें मैंने मुहिब के साथ प्रैंक किया, तो उसमें मुहिब ने रेड कलर यूज किया था,
अब यार हमें थोड़ी, मुझे थोड़ी पता था कि मोहिब रेड कलर यूज करेगा, उसको तो ये चीज रियल लगी थी कि यार मुझे खून दिखाना है इस तरह की चीज ना, तो बेचारे ने वो कर दिया ठीक है। वो जो जिन वाली वीडियो थी ना जलमी गेमिंग पे, उससे वो कलर उसने वहां का कलर पड़ा हुआ था उसने यूज कर लिया ठीक है। वॉशरूम में पड़ा हुआ तो वॉशरूम में पानी लेने गया होगा तो इसने देखा होगा। अब इशू ये है कि यार उसकी वजह से, उस एक रेड कलर की वजह से वीडियो पे 18+ रिस्ट्रिक्शन आ गई है, यानी जो 18 साल से कम बच्चे हैं वो उस वीडियो को नहीं देख सकते। मेरे सारे 18 साल से कम बच्चों वालों को रिक्वेस्ट है कि भाई तुम लोग सब हो अपने भाई ठीक है, तुम लोग सब हो जलमी आर्मी ठीक है। अब देखो हर अच्छा बुरा टाइम हम तुम्हारे साथ शेयर करते हैं, देखो इसका पेट खराब है फिर भी हम तुम्हारे साथ शेयर कर रहे हैं, समझ रहे हो ना कि सारी चीजें मतलब मैं और आप एक ही हैं। तो प्लीज अब मुझ पे मुश्किल आई है तो सबके सब लोग उस व्लॉग को देखो और उसके बाद ना उस पे हैशटैग जलमी आर्मी दोबारा से कमेंट करके लाइक दोबारा दबा दो ठीक है। जिन्होंने लाइक किया वो दोबारा दबाओगे तो लाइक खत्म हो जाएगा, ऐसा मत करना। सबके सब जाओ व्लॉग सर्च करो बाकायदा ठीक है, पुलिस प्रैंक मोहिब, कोई आया मोहिब जाके दरवाजा खोलो, मोहिब पुलिस प्रैंक ठीक है, वो करके सर्च कर देना ठीक है गाइस, और जाके देखना लाजमी है सबके सब ने। सारी वीडियोस दोबारा देख लेना या नहीं देखनी तुम्हारी मर्जी है, पर वो वाला व्लॉग लाजमी देखना है तुम लोगों ने। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पता नहीं क्या करें यार बस हमारे साथ अच्छा होता है तो भी दिखाते हैं, बुरा होता है तो भी दिखाते हैं ठीक है। अब यहाँ पे इशू हो गया, मसला हो गया तो फिर भी कोई मसला नहीं है यार, अब सबको दिखा दिया, आपसे कोई बात ढकी छुपी नहीं है। इसी के साथ ही दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कर दो, बोल दो बंदे हैं, बंदे हैं, बंदे हैं? हाँ। फिर भी बोल दो, बंदों के दौरान बोल दो, हाँ, ये को बंदे गाइस लाइक सब्सक्राइब कर दो, नीचे जर्मी प्लस को सब्सक्राइब करना ही भूलना। इसी के साथ अपने लेकर जर्मी को दीजिए इज्जत, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।